प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत अच्छा आरती जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए किसानों को, ये देखिए मोदी जी को किसान भेंट कर रहे हैं, एक किसान का पुतला है, क्योंकि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों और बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा। और आप लोग लाइव देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे नए कृषि मंत्री देखिए शिवराज जी भी हैं, और आज पीएम मोदी जी को भाई देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का पैसा जारी करने का सभी लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसी के साथ किसान भाई भी जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइव देख रहे हैं। अब देखिए हमारे मुख्यमंत्री गण भी सम्मोहित कर चुके हैं। अब देखिए इसी के साथ भाई जेपी नड्डा भी यहीं मौजूद हैं, साथ ही साथ सभी मंत्रीगण मौजूद हैं। यहाँ देखिए कृषि मंत्री और सभी लाल यानी कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और किसान भाई बहन भी मौजूद हैं, क्योंकि इस बार 18वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपये जा रहा है, यानी कि पीएम मोदी के कर कमलों के द्वारा ये पैसा जाएगा। पहले तो देखिए सभी मोदी जी को भेंट दे रहे हैं कि भाई बहुत बहुत बधाई हो, यानी कि पैसा जारी करने से पहले कुछ इस प्रकार से मोदी जी का स्वागत किया जाता है, और हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हर बार ये पैसा मिलता है। यहाँ देखिए किसान से ज़्यादा यानी कि महिला किसान दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि महिलाओं को भी अब पैसा मिलना शुरू हो गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, इसीलिए 4,000 रुपये की ये 18वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अभी अभी बड़ा खुलासा कर दिए। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए अब ये आ चुके हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसा जारी भी हो चुका है 18वीं किस्त का। अपूर्ण रूप से भाई जो मंत्री जी हैं हमारे वो साफ साफ बताएंगे कि पैसा कितना गया 18वीं किस्त का, और इसकी पिछली किस्त जो 17वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था या फिर 16वीं किस्त का पैसा जारी हुआ था। दीपेंद्र पटेल जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पहले तो देखिए सभी मंत्रियों का नाम लेंगे और सभी का नाम लेकर भाई उनका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे, उसके बाद फिर पैसे की बात करेंगे। अभी देखिए मनसुख मंडाविया जी भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं, ठीक है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का वितरण भी चल रहा है, तो अभी अभी देख लीजिए पूर्ण रूप से ये पैसा जाएगा। चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्मानित, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ठोस कदम उठाए और जिसके माध्यम से देश के 10.5 करोड़ किसानों को अब तक 3,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनको दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पिछले वर्षों में जय हिंद किसान साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि देखिए इस समय 18वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। अब देखिए हम दो किसानों के साथ आ चुके हैं, एक राम सुलेमन और देखिए रामलाल किसान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब देखिए आप लोगों को मैं लाइव दिखा देता हूँ कि इन लोगों का पैसा मिल रहा है, ठीक है, अभी अभी हाल में जारी हुआ। चलिए हम देखिए राम सुलेमन से बात कर रहे हैं। राम सुलेमन जी बताइए आपको पैसा कितना मिला आज? पैसा 4,000। 4,000 यानी कि 18वीं किस्त का पैसा मिल गया। हाँ, 4,000 रुपये। पहले कितना मिलता था? पहले 2,000। यानी कि 2,000 रुपये करके 4 महीने में यानी कि एक किस्त मिलती थी, उसके बाद इसी प्रकार 4 महीने में फिर दूसरी किस्त, यानी कुल मिलाकर 6,000 रुपये मिलता था। अब आप लोगों को 4,000 रुपये मिलने लगा, यानी कि आप लोग खुश हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब अब कुल मिलाकर 12,000 रुपये मिलेगा, दोगुनी मिल चुकी है। अब देखिए रामलाल से बात करते हैं, रामलाल जी आपको कितना मिला? 4,000 मिला। 4,000 बोलिए, बताइए। 4,000 हमको मिला है। 4,000 रुपये, चलिए अब ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अब बात कर लें कि देखिए पहले 6,000 रुपये मिलता था, यानी कि 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना इनकम जो होती थी मिलती थी, लेकिन अभी जो है हाल ही में इसकी रकम जो है बढ़ा दी गई है। अब टोटल जो रकम है मिल रही है 12,000 रुपये, यानी कि डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग संतुष्ट हैं कि आपको मिल रहा है इतना पैसा? हाँ, चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे 16वीं किस्त तक 2,76,00,000 किसानों को 59,661 करोड़ रुपए उनको प्राप्त हुए हैं, और
और 17वीं किस्त आज देखिए 17वीं किस्त का भी पैसा जारी किया गया था तो 3 लाख हो गया था, और आज जो पैसा जारी होना है यानी कि 18वीं किस्त का पैसा जा रहा है, इसे मिला दिया जाए तो भाई 3.5 लाख करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा गया। देखिए 17वीं किस्त को जोड़ दिया जाए तो मैंने बता दिया कि तो अभी अभी का नया ट्वीट आ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। अभी देखिए 6 घंटे पहले का ये पोस्ट है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल ट्विटर में हम लोग आ चुके हैं और आप लोग लाइव देख सकते हैं कि भाई यहाँ साफ साफ बताया गया 6 घंटे पहले कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को अब 18वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। जैसा कि हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, सभी किसान भाई बहन योजना का लाभ उठाने के लिए भाई आप लोगों को कुछ काम करना होगा। ठीक है, कौन से काम है चलिए मैं आपको बता देता हूँ और लाइव करके भी दिखा देते हैं कैसे करना है। ठीक है, अभी अभी का ये ट्वीट है, आप लोग देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ जरूरी काम करने हैं। आप लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। पहले नंबर में देखिए अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि पहले नंबर में जो काम करना है अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना है। बैंक खाते की स्थिति के साथ अपना आधार सेटिंग जांचें, और देखिए तीसरे नंबर में अपने आधार सेटिंग बैंक खाते में अपना DBD विकल्प एक्टिव रखें, और देखिए चौथे नंबर में अपना EKYC को पूरा कर लें। ठीक है, पांचवें नंबर में क्या करना है आप लोगों को कि पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपनी आधार शेडिंग की स्थिति की जांच करनी है। ठीक है, ये काम करना है। कैसे करना है देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। चलिए हम इस पर जाते हैं, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर लेना और इस प्रकार से क्लिक करना। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। जो आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को अभी के लिए भाई 17वीं इंस्टॉलमेंट की जो डेट है वो दिखा रही होगी, और उसके बाद अब 18वीं किस्त का पैसा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो 17वीं किस्त है वो 18 जून 2024 को जारी हुई थी, तो भाई जुलाई के बाद अगस्त भी गया, अब सितंबर महीने में आप लोगों को 18वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको EKYC कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों के सामने भाई EKYC का ऑप्शन खुल जाएगा, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर का भी फार्मर जो दिया गया है वो भी ऑप्शन आ जाएगा। नीचे और जाओगे तो और ऑप्शन है, नो योर स्टेटस अपडेट मोबाइल नंबर, और इसी के साथ और नीचे जाओगे तो भाई आप लोगों को बेनिफिशियरी लिस्ट भी दिखाई देगी, जिसमें आप लोग अपना बेनिफिशियरी लिस्ट भी देख पाओगे। कैसे देखना चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले जरूरी जो है EKYC कैसे करना है, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जो ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, नीचे हमें स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है, उस देखिए यहाँ से पहले यहाँ देखिए OTP बेस्ड EKYC होगा, यानी कि आपको भाई आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उसी के आधार पर यानी कि आपका EKYC होगा। सबसे पहले यहाँ आप लोगों को भाई आधार नंबर एंटर करना होगा। अपना आधार नंबर डायल करने के बाद सर्च बॉक्स पर क्लिक करोगे और आपके पास एक OTP आ जाएगी और आपका EKYC कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, EKYC की प्रक्रिया बहुत ही आसान थी। अब चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को आगे जैसे कि न्यू फार्मर हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भाई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। यहाँ आ जाना है तो और देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो भाई इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ दिया जाएगा रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग रूरल क्षेत्र से हैं या फिर अर्बन से हैं तो अर्बन से सिलेक्ट कर लेना। आधार नंबर डायल करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ अपना भाई राज्य सिलेक्ट कर लेना, देखिए इस प्रकार से जिस भी राज्य के हो भाई आप लोग वहाँ का राज्य सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ दिया रहेगा आप लोगों के सामने भाई यानी कैप्चा कोड दिया रहेगा, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना है और इस गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जो ही गेट रिपोर्ट पर क्लिक करोगे आपका भाई पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमने आपने नहीं डाला था इसीलिए यहाँ नहीं हो रहा, आप लोग सब कुछ सही से अपनी जानकारी भरोगे तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में आप लोग पूछ रहे थे कि नो योर स्टेटस कैसे देखें,
तो देखिए नो योर स्टेटस देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब ही आप लोग क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नो योर स्टेटस देखने के लिए अभी अभी जो आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता चला उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डायल करना है और इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना, आपका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। भाई बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर बेनिफिशियरी लिस्ट कैसे देखेंगे, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप लोगों को यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब इसमें आप लोगों को भाई देखना है ध्यान से कि बेनिफिशियरी लिस्ट में क्या क्या डायल करना है। आप लोगों को देखिए मैं बता दूं, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, लिस्ट आ जाएगी। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं किसी भी राज्य का। देखिए मैं, अब जैसे मान लो भाई हम दिल्ली से, तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट तो भाई आप लोग सिलेक्ट कर लेना न्यू दिल्ली, उसके बाद जो हम अपना अपना एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद जो भी आप लोगों का भाई सब डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोगों को फिर ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक के बाद भाई विलेज सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। आपके गांव के या फिर आपके शहर के पूर्ण रूप से लिस्ट आ जाएगी। यहां आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव की ये लिस्ट आ चुकी है, यानी कि अर्जुन जो कि मेल है, उसके बाद ये फीमेल है, मेल फीमेल सभी दिया गया है, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। इस प्रकार से आपके भी गांव या फिर शहर की लिस्ट आ जाएगी। हमारे यहाँ दो पेजों में यानी कि 100 किसान है, तो भाई यहाँ पूर्ण रूप से आप लोग देख सकते हैं 76 किसान है, तो पूर्ण रूप से सभी किसानों का नाम आ चुका है और देख सकते हैं आप लोगों का भी नाम आ जाएगा। अगर आपने जेन्युइन तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर रखे हैं और आप लोग चाह रहे थे कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त का जो इस बार 2000 रुपए से रकम बढ़ाकर 4000 रुपए मिलने वाली है वो मिले, तो देखिए हम सभी किसान साथियों के लिए बेहद बड़ा सुनहरा मौका है और ये मौका जाना नहीं चाहिए।